नमस्कार बाळ मित्रों, हिंदी में एकम एक यातायात चित्रपाट है। एक चित्र आपवामां आव्युं छे। चित्र में जोई सको छो हेलिकॉप्टर, विमान, ट्रेन, मोटरगाड़ी, स्कूटर, साइकल, विविध प्रकारना वाहनों छे ए रोड पर जई रह्या छे। बगीचानुं चित्र पण आप्युं छे। आ चित्रना आधारे तमारे अभ्यास करवानो छे। चित्रने जोईने तमारे नाम आपवाना छे। फूलों के नाम की सूचि बनाइए। अहीं प्रश्न आप्यो छे, चित्र को देखकर फूलों के नाम की सूचि बनाइए। और चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूचि बनाइए। दो सूची बनानी है। वैसे ही दूसरा चित्र है, होड़ी, स्टीमर, बस, रिक्शा, वाहन जा रहे हैं। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो आपको यातायात के साधनों के नाम बताने हैं जो चित्र में है और जो चित्र में नहीं है। उसके बाद तालिका एक, दो पहिए वाले, तीन पहिए वाले, चार पहिए वाले और चार से अधिक पहिए वाले, इस प्रकार से वर्गीकृत करने हैं साधनों को। दूसरी तालिका है सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, पानी में चलने वाले, इस प्रकार वर्गीकृत करने हैं। और इधर एक चित्र दिया गया है जिसमें टिकट देख रहे हैं। ये ट्रेन की टिकट है। उसमें आप देख सकते हैं मुंबई से अहमदाबाद जा रही है। मूल्य इधर दिया हुआ है, दिनांक दी गई है, टिकट के नंबर दिया गया है। तो इस प्रकार बस की टिकट के दिनांक, मूल्य और डिस्टेंस दिया गया है। दोनों टिकट के बारे में प्रश्न दिए गए हैं। यह क्या है? तो यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो देख सकते हैं हदाद से चिलोड़ा तक का टिकट है। रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन। बस के टिकट में किराया कितना है? 91 रुपीज़, यानी कि 91 रुपये है। उसी प्रकार रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो किराया उसका 30 रुपये दिया गया है, सॉरी रुपीज़ 204 है। शब्द में लिखा हुआ है 204 ओनली, 204 रुपये। रेलवे के टिकट का दिनांक बताइए। तो उधर दिनांक भी दी गई है 11-11-11। उसी प्रकार बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है आपको बताना है। चित्र दिए गए हैं, दोनों के भीतर जो गलत है वो दिखाना है। आप देखिए तो इधर कुत्ते के लिए हड्डी है, इधर नहीं है। इधर लड़का पूरा है, इधर आधा है। इधर बॉल छोटा सा है, इधर नहीं है। और देख सकते हैं और कोई कुछ गलत हो तो बताइए। नहीं, तो इतना सा डिफरेंस दोनों में है वो आपको बताना है। इधर फूल में 4, इसमें 5 है। तो इस प्रकार पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। आप मामा के घर किस प्रकार जाते हैं? सिनेमा देखने कौन से साधन में जाते हैं? स्कूल किस में जाते हैं? बाजार किस में जाते हैं? आपने अगर सवारी घोड़े टांगा तो राइट कीजिए। मोटर कार में बैठे हैं तो राइट कीजिए। जिसमें नहीं बैठे हैं उसमें गलत क्रॉस कीजिए, ठीक है। टिकट लगता है या पैसे लगते हैं? तो उसमें पैसे लगते हैं। टैक्सी में
पैसे लगते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं। बैलगाड़ी मुफ्त में चलती है, उसमें टिकट क्या पैसे लगते नहीं है। ट्रेन में टिकट लगती है। उसी प्रकार फूलों के नाम दीजिए। चित्र के आधार पर आपको इसकी एक छोटी सी कहानी लिखनी है। चित्र देख लीजिए, एक नंबर का, दो नंबर का, एक चरवाहा बैठा है, अपनी भेड़ बकरियां चरवा रहा है। वो हंसी मजाक करने के लिए बोल रहा है, बाघ आया बाघ आया, गांव वाले आ गए, लेकिन फिर हंसने लगता है, फिर गांव वाले चले जाते हैं, फिर सचमुच का बाघ आ गया, तब बोल रहा है बाघ आया, लेकिन कोई आता नहीं है। उसी प्रकार मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल आपणू राष्ट्रीय फूल छे। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, मधुमक्खी फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, मने बड़द गाड़ा में बैसवू गमे छे। ऑटो रिक्शा के तीन पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा के तीन पहिए छे। और कुछ नाम हिंदी गुजराती में, साइकिल साइकिल, रिक्शा, ट्रेन, विमान, स्टीमर, स्कूटर, बस, हेलीकॉप्टर, जहाज, कार, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा, मोटरसाइकिल, तो वाहनों के नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कीजिए, पुस्तक में से भी पढ़िए और जो भी एक्टिविटी है वो पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।